रेलवे ने डीजल और बिजली से चलने वाला एक नया इंजन तैयार किया है। गुरुवार से इस इंजन का परीक्षण कोटा मंडल में शुरू होगा। परीक्षण के दौरान इंजन को कोटा से नागदा के बीच अधिकतम 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जाएगा। लखनऊ स्थित अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन द्वारा ये परीक्षण 3-4 दिन चलेगा। अधिकारियों ने बताया है कि यह इंजन पिछले सप्ताह भी कोटा आया था, तब भी इसका परीक्षण किया गया था। इसके बाद ये इंजन कोटा मंडल के तुगलकाबाद स्थित विद्युत लोको सैंड में चला गया था। बुधवार को यह इंजन दोबारा कोटा लौटा है। अधिकारियों ने बताया है कि परीक्षण सफल रहने के बाद इस इंजन को ट्रेनों में जोड़ा जा सकेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बिजली नहीं होने पर भी ट्रेन रास्ते में खड़ी नहीं होगी। इंजन को डीजल से चलाकर ट्रेन को आगे ले जाया जा सकेगा।